मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ के प्रमुख ओम प्रकाश सेट्टे ने राज्य के नागरिकों की दुर्दशा से अवगत कराते हुए टूट गए। वहीं एक वायरल वीडियो में सेट्टे को महाराष्ट्र में महामारी की स्थिति के बारे में बोलते हुए देखा जा सकता है और जो देश में सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विशेष कर्तव्य के पूर्व अधिकारी रह चुके सेट्टे ने कहा कि अब आम आदमी खुद को बचाने में असमर्थ है और विवेकाधीन शक्ति सीएम के पास है और यह उनके ऊपर है कि वह उनका उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन अब लोग पीड़ित हैं जो आपके सामने खड़े हैं। आप भी सुने इस वीडियो को। देखिए, मैं वहाँ पे चीप रह चुका हूँ, जिस थाली में खाया है उसमें कभी छेद नहीं देना चाहता हूँ। बहुत बुरा लगता है, कभी कभी नींद ही नहीं आती, सच में नींद नहीं आती। कि जहाँ पे हमने मंदिर बनवाया था वो मंदिर का ढांचा गिर चुका है अब, और जो भी कॉमन मैन है वो अभी नहीं बच पा रहे, तो बुरा लगता है। लेकिन ये जो डिस्क्रिटरी पावर है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, अभी उनकी डिस्क्रिटरी पावर उनको कैसा यूज करना है वो सोचेंगे। लेकिन अभी तो लोगों के हाल है, ये तो सही है, आपके सामने है। 17 लाख लोगों को हमने सेवा की थी, अभी लोग मर रहे हैं। हर दिन 600-600 मैसेज आते हैं और लोगों को रिप्लाई देते देते थक चुका हूं मैं। किसी से उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट में गया हूं। अब ये मेरी लास्ट उम्मीद है, कॉमन मैन नहीं बच पाएगा तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। ये मेरे अंदर की आवाज है, मेरे अंदर की मन की आवाज है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, पैसा नहीं है इसलिए मर रहे हैं। मेरी कोर्ट से दरखास्त कि अब इन लोगों को बचाइए, ये टेकने के लिए दूर कीजिए बस। सॉरी।